हाय दोस्तों, आज मैं आपको पेटीएम का क्यूआर कोड कैसे शेयर करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, अपना जहाँ पे लोगो है वहाँ पर क्लिक करना है। नाम या लोगो जो भी होगा वहाँ पे आप क्लिक करना है। ये हम लोग क्लिक कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा देखो क्यूआर दिखने लगा है। आप यहाँ पे QR इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नीचे में देखो शेयर QR कोड लिखा है, तो इस शेयर QR कोड पर क्लिक कर लेना है आपको। ये हम लोग शेयर QR कोड पर क्लिक कर लिए हैं, ये लोड ले रहा है। अब यहाँ पे बहुत ऑप्शन आ गया, आप WhatsApp में डायरेक्ट इसको शेयर कर सकते हो या फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहाँ भी आप इसका कोड QR कोड शेयर करना है कर सकते हैं। तो पहले हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे या उसका जो प्रिंट आउट निकालना है वो चीज़ के बारे में बताएंगे कि कैसे करेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन है फोटो एडिटर, हम इस पे शेयर कर लिए, ये हमारा यहाँ पे आ गया। और इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे गैलरी पे आपको करना है, ये हमारा सेव हो गया है। ये हम इसको अपने गैलरी में, हमारा चला गया, हम गैलरी में जाके दिखाते हैं कि कहाँ कैसे दिखता है ये। हम अपना अपना गैलरी खोल लिए, ये हमारा गैलरी खुल गया। मैं गैलरी में हम दिखा रहे हैं, यहाँ से आप फोटो एडिटर में ये देखो, ये हमारा यहाँ पे सेव हो गया। अब इसको हम यहाँ पे से अब इसका प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, कहीं शॉप में लगाना है, कहीं भी, या भी किसी को। तो इसमें देखो प्रिंट, अगर आपके पास कोई भी प्रिंटर है उसका एप्लीकेशन, देखो हमारे पास प्रिंटर का एप्लीकेशन है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप उसको आसानी से सेट करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये देख सकते हो, ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। आप जैसा भी आपका प्रिंटर है उससे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपना प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको देखो प्रिंट करना बता दिया कि डाउनलोड कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको शेयर कैसे करना है। तो आपको हम फिर पेटीएम में आ जाएंगे, ये अपना पेटीएम में आ गए और यहाँ पे शेयर पर का ऑप्शन दिया है। हमें किसी व्हाट्सएप में शेयर करके दिखाता हूँ कि अपना QR कोड डायरेक्ट किसी को कैसे शेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे एक कोई व्हाट्सएप अपना किसी को भेज के दिखाते हैं कि कैसे शेयर करते हैं, तो कैसे हो जाता है QR कोड। ये अपने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेंड पर क्लिक, ये हमारा लोगो चला गया। अब हमें किसी से पैसे मंगवाना है तो हम अपना ऐसे ही अपना QR कोड शेयर कर सकते हैं। वो हमारा स्कैन करेगा और हमारे अकाउंट में या किसी चीज़ में, जैसे जिससे पैसे मंगवाना हो, हमें पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा, या पेटीएम में आएगा, या आपका बैंक से लिंक होगा तो उसमें आ जाएगा। तो बस आसानी से आप ऐसे ही अपना QR कोड से पैसे मंगवा सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।